गुड आफ्टरनून एवरीवन. टुडे वी हैव राजीव सर विद अस एंड ही विल टेक योर मैथ्स लेक्चर. दिस इज डेमो फॉर योर फर्स्ट चैप्टर आई थिंक. सो सर विल कंटिन्यू. राजीव यू कैन कंटिन्यू टिल यू वांट एंड देन यू कैन क्लोज. गुड आफ्टरनून मैम एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरा नाम जो है वो और मेरा नाम राजीव कुमार गुप्ता है. ओके और मैं पटना बिहार से हूँ और मैं इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ. मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ. ओके एम आई ऑडिबल? ओके थैंक यू. तो आपका 10th में फर्स्ट चैप्टर जो है वो रियल नंबर है. ओके तो रियल नंबर का आप नाम सुने होंगे या फिर इसके अलावा और भी नंबर्स आप पढ़े होंगे जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर. तो ये सारे नंबर आप पढ़े हैं लेकिन हम लोग इस क्लास में रियल नंबर को डिस्कस करने वाले हैं. इसलिए हम लोग थोड़ा सा इससे पहले नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. तो नंबर सिस्टम में आपका सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नेचुरल नंबर जो है वो हम काउंटिंग नंबर्स को कहते हैं. ओके नेचुरल नंबर्स जो है हम लोग काउंटिंग नंबर्स को बोलते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5. ये सारे नंबर जो है काउंटिंग के नंबर वो आपके नेचुरल नंबर होते हैं. ओके एंड इसके बाद आता है होल नंबर. तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं. सिर्फ हम लोग नेचुरल नंबर्स में हम लोग अगर जीरो से स्टार्ट होता है वो आपका होल नंबर होता है. ये जो है जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर नंबर्स को हम लोग होल नंबर बोलते हैं. ओके एंड नेक्स्ट जो है जैसे कि ये सारे नंबर्स हुए तो जीरो की जरूरत जब जीरो की खोज हुई ठीक है तब हम लोग जैसे कि नेचुरल नंबर जब थे जब था तो जैसे 1 से लेकर के 9 डिजिट तक ही होता था. फिर जीरो का जब खोज हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने 10 फिर 100 ये सब लिखना प्रारंभ किया तो वो उसके बाद होल नंबर हमको मिला. ओके उसके बाद एक इवन नंबर होता है. ओके नेक्स्ट है इवन नंबर. तो इवन नंबर क्या होता है कि इवन नंबर जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उसको अगर हम दो से डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड हो जाते हैं तो उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं. ओके जैसे कि 2, 4, 6 तो ये सारे नंबर जो है वो इवन नंबर होते हैं. उसके बाद आता है आपका ऑड नंबर. ऑड नंबर जो है जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं इनके अलावे जो नेचुरल नंबर है वो आपके ऑड नंबर होते हैं जैसे कि 1, 3, 5 ये सारे नंबर जो है वो ऑड नंबर है. ओके इसके बाद आता है आपका इंटीजर. इंटीजर क्या होता है? इंटीजर जैसे कि यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए. अब इंटीजर में जैसे कि निगेटिव नंबर्स जो है हम लोग इसमें निगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करते हैं जैसे कि -3, -2, -1
जीरो वन टू थ्री एंड डैश। तो इसमें जो इंटीजर होते हैं वो माइनस इनफिनिटी से लेकर के और माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री ये सब लेकर के प्लस इनफिनिटी तक जो है वो सारे इंटीजर्स होते हैं। ओके, उसका नेक्स्ट जो है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है कि वैसे नंबर्स जो कि सिर्फ वन से और खुद से जो है वो डिवाइड होते हैं उनको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो टू, ठीक है, थ्री, फाइव, सेवन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टू जो है वो टू किससे किससे डिवाइड हो पाएगा? टू सिर्फ वन से इसको डिवाइड कर सकते हैं और टू से डिवाइड कर सकते हैं। उसका थ्री जो है वो वन से डिवाइड कर सकते हैं और थ्री से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे फाइव है, फाइव भी वन और फाइव से ही डिवाइड होगा। इसके अलावा और कोई किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं होगा, वो प्राइम नंबर कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो कि जिसके फैक्टर जो है वो एक दो से ज्यादा होते हैं। जैसे कि आपका फोर हुआ, ठीक है, सिक्स, एट। तो इसके फैक्टर जैसे देखिए, प्राइम नंबर में हम लोग ने क्या देखा कि वो वन से और खुद से डिवाइड होता है, वो आपका प्राइम नंबर होता है। और कंपोजिट नंबर में इसके फैक्टर जो है वो एक से दो से ज्यादा होते हैं। जैसे कि फोर का फैक्टर क्या होगा? टू इंटू टू, ठीक है। और ये किससे किससे डिवाइड हो सकता है? जैसे कि वन से, टू से एंड फोर से। यहाँ पे इसका डिवाइड होने का नंबर जो है वो टू से ज्यादा है, इसीलिए ये इसको हम लोग कंपोजिट नंबर के श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आप लोग पढ़े होंगे रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर क्या होता है कि रेशनल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं, जैसे कि पी बाई क्यू। ओके, तो पी बाई क्यू को क्यू के फॉर्म में जो भी लिखते हैं उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। और रेशनल नंबर में होता क्या है कि जो डिनोमिनेटर है, ये पी जो है वो नंबरेटर है और क्यू जो है वो डिनोमिनेटर है, तो क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। ओके, अगर क्यू जीरो के बराबर होगा तो वो रेशनल नंबर फिर नहीं होगा। ओके, तो रेशनल नंबर का पहचान कैसे करेंगे? तो जैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, रेशनल नंबर का 25/4। 25/4 जो है वो 25/4 जो है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर है, और यहाँ पे क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको रेशनल नंबर कह सकते हैं, या फिर 1/2। अब बात आती है कि रेशनल ओके, तो ये रेशनल नंबर हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ई रेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जो कि जिसके डिसिमल जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल का बात करें तो जैसे 0.1, 2,
5 7 8 6 4 और इस तरीके से वो टर्मिनेटिंग नहीं होते, जैसे रिपीट नहीं करते। एक हम लोग रेशनल नंबर में देखेंगे कि वो टर्मिनेट करते हैं। ओके, तो जो और भी एग्जांपल है इरेशनल नंबर के, जैसे कि पाई, √3, √2। ओके, तो ये सारे नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है। अब हम लोग रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। जैसे 25/4 है, तो 25/4 को अगर हम डिसिमल में कन्वर्ट करते हैं, 25/4 को अगर हम डिसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा 6.25। ओके, तो ये जो है वो रेशनल नंबर है, 6.25, 25/4 ये रेशनल नंबर है, और इसको डिसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 6.25 होगा। ओके, एंड एक और एग्जांपल लेते हैं, जो कि 10/3। ओके, तो 10/3 जो है वो, 10/3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3.333। ओके, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 होगा, फिर उसका 10-9 ये होगा 1, फिर यहाँ पे पॉइंट लेंगे, फिर यहाँ पे 0 होगा आपका। ओके, फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ पे फिर से 9 होगा। ओके, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर डिसमल एक 0 लेंगे डिसमल से, फिर उसके बाद 3 से जाएगा डिवाइड, फिर यहाँ पे 1 आएगा। ओके, तो इस तरीके से जो है ये जो डिसमल के बाद नंबर्स है वो कंटिन्यू रह रहा है। ओके, मतलब कि ये जो नंबर्स है वो कंटिन्यूअस रह रहा है, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है। ओके, तो ये जो है वो रेशनल नंबर। अब इरेशनल में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे रिपीट कर रहा था आपका नंबर जो है वो रिपीट कर रहा, सेम नंबर, लेकिन इरेशनल नंबर में ये नंबर जो है वो रिपीट नहीं करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर जो है वो आते जाते हैं। उसके बाद आता है आपका रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर, रियल नंबर जो है वो रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल। रेशनल और इरेशनल में जितने भी नंबर्स होते हैं, ओके, इनका कॉम्बिनेशन जो है वो रियल नंबर होता है। ओके, तो रियल नंबर में जितने भी नंबर्स हुए रेशनल और इरेशनल के, वो आपके रियल नंबर होते हैं। ओके, अब हम लोग इसको समझते हैं कि कौन कौन से, एक फ्लो चार्ट से हम लोग इसको समझेंगे कि रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर। ओके, तो नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4 जो है वो नेचुरल नंबर हुआ। होल नंबर्स में 0 हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, वो होल नंबर हुआ। फिर इंटीजर में निगेटिव, और फिर से निगेटिव नंबर्स, और फिर से जो होल नंबर्स होते हैं। और रेशनल नंबर जो है उसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में, या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, वो आपका रेशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर जो है वो, जिसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, और वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, तो ये जो है वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। और जितने रियल नंबर जो है वो, ये जितने भी नंबर्स होते हैं, वो आपके रियल नंबर्स होते हैं। ओके, तो ये है आपका रियल नंबर। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। तो आप समझ गए होंगे कि रियल नंबर्स क्या होता है। ओके, रियल नंबर्स के अलावे और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे कि आप अगले क्लास में पढ़ेंगे, आगे क्लासों में, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। इसके अलावा नंबर्स एक बहुत बड़ा, मतलब कि फील्ड है।
ओके नेक्स्ट है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। ओके तो इसमें एक आपका पजल है, इस पजल को जैसे कि पजल में क्या कर रहा है कि ए ट्रेडर वाज मूविंग अलोंग अ रोड सेलिंग एग्स एंड आइडलर हु डिड नॉट हैव मच वर्क टू डू स्टार्टेड टू गेट द ट्रेडर इनटू अ ब्लडी ड्यूएल दिस ग्रेव इनटू अ फाइट ही पुल्ड द बास्केट विथ एग्स एंड डैश्ड ऑन द फ्लोर द एग्स ब्रोक द ट्रेडर रिक्वेस्टेड द पंचायत टू आस्क द आइडलर टू पे फॉर द ब्रोकन एग्स द पंचायत आस्क द ट्रेडर हाउ मेनी एग्स वेयर ब्रोकन ही गेव द फॉलोइंग रिस्पॉन्स। ओके तो एक ट्रेडर है जो कि अंडा सेल करता है। ओके तो वो एक कोई आलसी व्यक्ति है जो कि ऐसे उसको कोई काम नहीं रहता है, तो वो जो ट्रेडर है उसके साथ उलझ जाता है और उससे बातचीत करने लगता है, और बातचीत करने क्रम में वो क्या करता है उसका बास्केट का एक जो है वो जमीन पे गिरा देता है, और जब अंडा नीचे गिरता है तो बहुत सारे अंडे टूट जाते हैं। ओके तो जो ट्रेडर है वो बोलता है पंचायत से कि जो आइडलर ने मेरा अंडा तोड़ा है उसके उसका उसको पे करने के लिए। ठीक है तो जब पंचायत पूछती है ट्रेडर से कि कितने अंडे तुम्हारे थे उसमें, ओके तो वो बोलता है कुछ इस तरीके से वो जवाब देता है कि इफ काउंटेड इन पेयर, अगर हम लोग उसको पेयर में काउंट करेंगे तो वन विल रिमेन, मतलब कि वो मतलब एक रिमाइंडर होगा, जैसे कि बहुत सारे एक्स हैं। इस तरीके से बहुत सारे एक्स हैं, जैसे कि अगर हम इसको पेयर में काउंट करते हैं, जैसे पेयर में क्या होता है टू टू का होता है, तो यहाँ पे टू फिर यहाँ पे टू फिर यहाँ पे टू, ओके तो यहाँ पे सिक्स है तो यहाँ पे वन रिमाइंडर होना चाहिए। तो और क्या होता है कि जब हम लोग पेयर में उसको काउंट करते हैं, ऐसे पेयरिंग करते हैं, तो वन जो है वो एक रिमाइंडर होता है। ठीक है और फिर नेक्स्ट रिस्पॉन्स बोलता है कि इफ काउंटेड इन थ्री टू विल रिमेन, जब हम लोग तीन तीन करके काउंट करते हैं, ओके तो टू रिमाइंडर आपका दो बच जाता है, अगर हम लोग फोर फोर के रूप में काउंट करेंगे तो ये जो है वो थ्री रिमाइंड मतलब तीन 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 बच जाता है। ओके उसके बाद अगर हम लोग फाइव फाइव में काउंट करेंगे तो ये फोर विल रिमेन, इफ काउंटेड इन सिक्स से फाइव विल रिमेन, इफ काउंटेड इन सेवन नथिंग विल रिमेन, अगर हम लोग सेवन सेवन करके काउंट करते हैं तो एक भी मतलब कि वो अंडा नहीं बचेगा। और फिर लास्ट में उसने एक चीज बोला है कि माई बास्केट कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 150 eggs, और उसका बास्केट जो है वो 150 eggs से ज्यादा अंडा एक मतलब उसमें हम लोग नहीं रख सकते हैं। ठीक है तो इस पजल को जो है वो सॉल्व करके निकालना है कि उसमें कितने अंडे थे। ओके तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग नंबर एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ एग्स बी ए, ओके एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं, देन वर्किंग बैकवर्ड्स वी सी दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू 150, और जब हम लोग ए एज्यूम कर लिए तो ए क्या है, ए जो है आपका वो नंबर ऑफ एक्स मतलब जितना होंगे नंबर ऑफ एक्स वो ए है, ओके और वन जो कि 150 से कम होगा, ओके क्योंकि उस कंटेनर में 150 से ज्यादा एक हम लोग नहीं रख सकते। ओके तो हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं, जैसे कि अगर 77 में काउंट करेंगे तो ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू 7p+0। ओके अगर बात करें कि अगर जैसे कि अगर हम बात करें जैसे 3x, सपोज इसमें 3x, ओके अगर हम लोग इसको पेयर में काउंट करें तो पेयर में काउंट करेंगे तो क्या होगा 2
और वन, एक बार टू मिलेगा, एक बार पेयर में जब काउंट करेंगे तो एक एक जगह पे हम लोग 2x को रखेंगे और एक जगह पे 1x को रखेंगे, यानी कि 1 रिमेन हो। ओके, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1। ओके, उसी तरीके से जैसे कि अगर बात किया जाए, अगर 3x है, 3x है, अगर 3 में काउंट करेंगे तो क्या होगा, 3x है अगर 3 में काउंट करेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो उसी तरीके से अगर 7 7 में काउंट कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो है वो 0 होगा, यानी कि a इक्वल टू 7p प्लस 0। एंड नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर 6 में काउंट कर रहे हैं तो a इक्वल टू 6q प्लस 5 होगा। ओके, एंड 5 में अगर काउंट करेंगे तो a इक्वल टू 5r प्लस 4 होगा। और ये pqr क्या है, तो pqr जो है वो आपका कोसेंट है। ओके, क्यू से मैं डिनोट करता हूं इसको, कोसेंट को। तो पी जो है, पी क्यू आर जो है वो कोसेंट है, मतलब भागफल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। और आप एक चीज पढ़े होंगे कि डिविडेंट इक्वल टू डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इस तरीके से होता है। ओके, तो इसी तरीके से जो है हम लोग इसको लिख रहे हैं। एंड जब हम लोग उसको 4 4 में काउंट कर रहे हैं तो ये होगा a इक्वल टू 4s प्लस 3, फिर 3 3 में काउंट कर रहे हैं तो a इक्वल टू 3t प्लस 2 लिख सकते हैं, फिर अगर 2 2 के रूप में काउंट करेंगे तो वो होगा a इक्वल टू 2 2u प्लस 1। ओके, अब तो ये मैंने लिख दिया, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हमको पता लगाना है कि कितने एक्स थे। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 150 एक्स है और यहाँ पे a इक्वल टू 7p है, 7p प्लस 0, यानी कि रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। तो इसको क्या करते हैं, 150 को 7 से डिवाइड करते हैं, ये कितना होगा, 7 2 14 और यहाँ पे 1 रिमाइंडर होगा, फिर ये 0, फिर 7 1 7, फिर यहाँ पे 3, तो 3 रिमाइंडर आया। अगर हम लोग 150 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 150 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 7 का डिविजिबल होगा और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो जाएगा 147। ओके, यानी कि उसमें 147 एक हो सकते हैं। ओके, तो 147 एक हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिर्फ यही एक कंडीशन उसने नहीं बताया है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कंडीशन बताया है, उसको भी इसको सेटिस्फाई करना हो, ठीक है। तो 147 को जब हम लोग सेकेंड कंडीशन में हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग सपोज 147 एक उसमें कंटेनर में मान लीजिए कि एकोमोडेट कर रहा है, तो 147 को 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये होगा 6 2 12 और यहाँ पे 27, और फिर से यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो 24। तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर हो रहा है, लेकिन इस कंडीशन में रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, इसीलिए जो है 147 नहीं होगा। ओके,
तो इसके अलावा और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है 147 के अलावा, तो यानी कि 7 का फैक्टर होना चाहिए, 7 का फैक्टर होना चाहिए, यानी कि इसमें से अगर 7 सबट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 140। फिर 140 में से 7 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 133। फिर इसमें 7 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 126। फिर इसमें 7 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 119। फिर इसमें 7 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 112। ठीक है, तो इसी तरीके से 7 के फैक्टर में ही होगा। तो जैसे कि सबका बारी बारी से इसको जो है हम लोग डायरेक्टली कोई मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग को हीट एंड ट्रायल मेथड के माध्यम से इसको सॉल्व करना होगा। जब हम लोग सब पे चेक करेंगे तो सारा रिजल्ट जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब हम लोग 119 पे चेक करेंगे तो 119 पे क्या होगा कि ये 7 का फैक्टर है तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, फिर सेकेंड कंडीशन को भी हम लोग ट्राई करेंगे तो सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, इसको 119 को 119 को 7 6 से डिवाइड करते हैं तो ये होगा 1 और ये होगा यहाँ पे 5 और 9। ठीक है, फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 5। यहाँ पे 5 रिमाइंडर बच रहा है। ओके, यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 119 को हम लोग लिख सकते हैं 6 × 19 + 5। ओके, तो ये जो है ये आपका इस सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर उसी तरीके से थर्ड के लिए चेक करेंगे, फिर फोर्थ के लिए चेक करेंगे और जो भी कंडीशन है उसके लिए चेक करेंगे तो देखेंगे कि सारे के लिए ये जो है वो 119 जो है वो सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए जो है आपका आंसर जो होगा वो 119A होगा। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही। एनी डाउट? यस राजीव सर, थैंक यू। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, राजीव, हैव यू कंप्लीटेड? यस मैम। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी विल स्टॉप हियर। Excuse me, ma'am. Yes, Raju. Your voice is not clear, ma'am. Okay. ओके, कुणाला सवाल? ठीक है, आपका राजीव सर का अभी क्लास हो गया है, आप लोग लीव कर सकते हो। अभी आवाज आ रही है अच्छे से? यस मैम। या तो यू ऑल कैन लीव नाउ एंड यू कैन गिव योर फीडबैक ऑन व्हाट्सएप, माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम, बाय 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 डियर, बाय।